जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 9 बजे के साइड पे पहुंच चुके हैं। और यहां पे आप देख रहे हैं ना, मैं इस टाइम पे बाईपास में ही खड़ा हूं। यहां पे आप पीछे अपने पेवर खड़ा हुआ है, अपनी गाड़ी को वहाँ पे किया है अपन ने पार्क। और अभी यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम चालू करने वाले बस आपके जंक्शंस के, और साथ साथ में थोड़ा पार्डर बाईपास में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा नीमपानी गांव में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको माचना का ब्रिज भी दिखाऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में, चलो शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। हाईवे के काम में दोस्तों समस्या ये है भाई, ये आप देख रहे हो हमारे जो गाड़ियाँ हैं इनके कलर उड़ जाते हैं, क्योंकि ये खड़ी रहती है धूप में। इनने इस गाड़ी ने भाई छाँव नहीं देखी, ये बात तो मैं तय मानूंगा। सामने की तरफ अपन ने एक्सकेवेशन अभी स्टार्ट किया है। तो गाइस मैं हूँ इस टाइम पे साइड पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये अपन ने स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा जंक्शन का वर्क। तो ये यहाँ पे एक पक्का जंक्शन बनेगा जिसमें डामरीकरण कराया था लगभग 40 मीटर के आसपास। तो ये आप देख रहे हो ना, हम लोग अभी शाहपुर के बाईपास में ये की तैयारी अभी यहीं पर चल रही है। तो सामने अपना पेवर वगैरह खड़ा, तो यहाँ पर अपना जो रोड जाएगा, रोड से जो कनेक्टिंग एक रोड रहेगा, यहाँ पर कच्चा रास्ता गया ये वाला। अभी जो लोकल रास्ता जो एक्सेवेटर चल रहा है ये वाला है, जबकि वो किसी की प्राइवेट लैंड है, तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ये मेन रास्ता। तो इस वाले रास्ते को हमको पीछे से कट करके स्लोप में उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसका फिर हम लोग डामरीकरण कर देंगे लगभग 50 मीटर के आसपास। तो जो पुराना रास्ता है तो उसको हल्का सा स्लोप कर देते हैं, जैसे कोई गाड़ियाँ आती तो निकलती रहेंगी। बाकी ये वाला एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा ऊपर से दूर से। तो अभी जो भी मटेरियल निकलेगा उसको हम इस डंपर में लोड करेंगे और साइड पर यूज़ कर सकते हैं इसको। ये वाला रास्ता अपन जैसे डंपर खड़ा ना, ये सीध में आएगा, और ये पुराना रास्ता था उसको भी थोड़ा सा स्लोप बना दिया है, क्योंकि उसमें भी अभी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, क्योंकि ये रास्ता भी चालू में है ना। तो प्राइवेट लैंड में जरूर है, पर पक्का काम प्राइवेट लैंड में ना किया जाए तो किसी का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा चैनिंग वैनिंग करके जो रास्ता भी चालू उसको भी बना रहेगा। और नया रास्ता अपन भाई ये वाला बनाने वाले हैं, ये वाला ये आएगा ऐसा सीधा निकल जाएगा इसके पेड़ों के अंदर से। चलो थोड़ा सा रोलिंग वोलिंग दोस्तों कर देते हैं, क्योंकि रोलर का हायर एल्टीट्यूड में जब चढ़ता ना हाइट में, तो रोलर के टायर भी स्लिप मारते हैं। अभी क्या एक दो बाइक वगैरह निकल रही है, क्योंकि सबको यही वाला रास्ता पता हुआ है ना, तो इसमें भी थोड़ा सा रोलिंग वोलिंग करवा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो गाड़ियाँ निकलती रहेंगी। बस ठीक है, तो ये रास्ता वैसे बंद करना अपने को, चालू तो ये वाला रखेंगे। तो आप लोगों को आदत डाल देते नए वाले यहाँ पे जाने के, क्योंकि रोक क्या एक तरफ निकलते हैं ना तो उनको वही आदत आ जाती है। इस टाइप से दोस्तों घने पेड़ों के बीचों में काम करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे ये सागवान के पेड़ हैं, ये जितने भी लगे हुए ना, सागवान को भाई बिना फॉरेस्ट की परमिशन लिए हुए भाई आप कट नहीं कर सकते। तो ये आप देख रहे हैं ना, बीच में हमें यहाँ पे रोड बनाने का बोला गया है, और तो बीच में पेड़ वगैरह भी बिल्कुल थे उसको छोड़ के, और ये लगभग अभी आपका रोड भी धीरे धीरे आकार लेता हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा और जाए लगभग 20 मीटर और जाएगा तो अपना स्लोप प्रॉपर मिल जाएगा, तो आपकी गाड़ियाँ जो आई वो इजीली यहाँ से उतरती रहेंगी। तो देखो डंपर भी कहाँ लगाया हमने, जहाँ जगह मिल गई है दोनों पेड़ों के बीच में वहाँ पे, तब यहाँ पे लोडिंग हो पा रही है। इस टाइप में काम करने थोड़ा ऑपरेटर को थोड़ा तंगाई हो जाती, क्योंकि अभी बकेट बकेट कहीं पेड़ वेड़ में लग गया, तो पेड़ अगर गिर गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, अब ये मैं जिस लोकेशन पे हूँ ये है बरेठा का घाट। आप लोगों को पता ही है कि सिंगल रास्ता है और सामने चारों तरफ हरियाली है, तो ये है बरेठा का घाट। और आप में से काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि यार भाई यहाँ का काम कब चालू होगा, तो ये काम अभी जाएगा लंबा, क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ टाइगर कॉरिडोर की वजह से। टाइगर कॉरिडोर ने हाईकोर्ट स्टे लगाया था, स्टे लिया था, बाद में हाईकोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया और काम यहाँ पे बिल्कुल रुक गया। पहले हम लोग कर रहे थे, अभी इसको लगभग 1.5 साल हो गया यहाँ पे काम बंद हुए। तो जब आप फॉरेस्ट के ऐसे अड़ंगे लगते ना, तो भाई काम ऐसे ही चलते लेट लतीफ वाले। और ये अभी हम लोगों के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास तो अब इसका मेंटेनेंस के लिए भी एक कंपनी हायर किया था लोकल का, तो वो छोटा मोटा जो मेंटेनेंस रहता है ड्रेन वगैरह बोर्ड वगैरह लगाइए, उन्होंने ही लगाए हैं। और अभी ठीक ठाक है रोड, अभी कंडीशन में बारिश में यहाँ पे बहुत खड्डे होने वाले, क्योंकि होते हैं वो हमें पता है, क्योंकि रोड के ऊपर जब तक ओवरले नहीं होगा जब तक भाई ऐसे ही खड्डे बड्डे रहते हैं। और ये प्रोजेक्ट भाई ये इसका नया प्रोजेक्ट निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, 1 किलोमीटर में आपको लगभग 250 मीटर के आसपास स्ट्रक्चर्स देने, अंडर पास देने, जिससे जंगली जानवर निकलते रहे। तो उस चक्कर में भाई अब इसका नया टेंडर होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी और ये लंबा खींचेगा देख लेना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये इस साल तो होने वाला नहीं है, इस साल के लास्ट तक कभी इसका स्टे अगर क्लियर होता है तो फिर नया टेंडर होगा, री टेंडरिंग होगी, तो फिर ये चला जाएगा 2023 में, तो 23 में इसका काम चालू हो सकता है।
अब वो कौन करेगा, इसके लिए कोई नई कंपनी आई, क्योंकि हम लोगों का काम अभी खत्म होने वाला, हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं रुकती भाई, मेरे को पता है इतनी देर तक अगर NHI क्लियरेंस नहीं करेगी तो ऐसा ही रहेगा। अगर पहले अगर हो जाता है तो शायद हमारी कंपनी शायद कर दे, तो अभी देखते हैं भाई इसका क्या होता है। बाकी बरेटा घाट का काम, बरेटा घाट की भी दोस्तों अगर बात करी जाए ना, तो ये लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का जो रीच है वो है, क्योंकि 109 चैने से चालू होता है, 116 पे खत्म होता है, तो 7 किलोमीटर का बरेटा घाट है ये। तो 7 किलोमीटर का रोड भाई अभी तक ये बना पेंडिंग पड़ा हुआ है, साथ साथ में जो इसका बागदेव वाला इलाका है ना वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अपने नीम पानी वाले गांव में, और यहां पे हम लोगों को एक जंक्शन में थोड़े पाइप वगैरह डालने थे, इसकी थोड़ा वाइडनिंग करनी थी। पहले हमारा एक पाइप यहां पे, हम लोगों को दो पाइप हमारे कम पड़ गए थे, तो इसका क्योंकि यहां पे पहले मिट्टी था, एक पेड़ था, बाद में वो पेड़ टूट गया, तो उसके बाद फिर ये वाला आगे का जंक्शन हमें बनाना पड़ रहा है। तो इसमें ये डामरीकरण हमने कर दिया था, तो इसके पाइप पाइप में थोड़ा सा चौकअप होगा, उनको भी थोड़ा साफ सुथरे कराए जाएंगे। और ये वो जंक्शन था जो लोगों के लिए बनाया गया था, तो इसमें इसकी फैनिंग वाले पोर्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो हमें दो पाइप यहाँ डाल के यहाँ का काम हम ख़त्म करते हैं। तो ये दो पाइप लेके आए हैं 1000 mm के डायामीटर के, इसके पाइप हैं। पाइप भाई आपके जो नॉर्मल पाइप आते हैं, एक आपके 300 mm का डाया का भी आता है, आपका 450 के भी आने लग गए, 600 का आता है, 900 का आता है, 1000-1200 तक के आते हैं। जिस टाइप का पाइप डालना आपको डाल दो, तो हम 1000 mm के लेके आए, तो वो डालने वाले हैं यहाँ पे। अभी दोस्तों यहाँ पे अपन इसको जमाना चालू करेंगे पाइपों को। ये देखो दोस्तों कुछ इस टाइप से पाइप जमाए जाते हैं, जैसा आप देख रहे हो ना पाइप डालने का, एक्सेवेटर से बहुत अच्छे तरीके से पाइप डालते हैं। आपके पास पट्टा होना चाहिए, इसको डाल के इसको लेवल ऐसे जैसे मैच कर दो, जैसे ये डालन जॉइंट अच्छे से फिल हो जाने चाहिए, आप देख रहे हो ना इस टाइप से। अभी इसके नीचे थोड़े पत्थर जमाए जाएंगे, तब होगा आपका काम। अभी एक पाइप और लेके आए, वो भी जमाएंगे साथ साथ में, तब फिर ऊपर से इसमें GSB और WM करके इसको भी डामरीकरण कर देंगे, इस रास्ते को थोड़ा सा फेनिंग बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपने दो पाइप डल के अपना रेडी हो चुका है, बाकी अभी इसमें GSB वगैरह आएगी, वो अभी आने वाली, तब इसमें खाली करेंगे रोलिंग वोलिंग करने के बाद। बाकी ये थोड़ा सा ड्रेन अभी बना के छोड़ देते हैं, बाकी आगे का देखेंगे बाद में। तो अभी चलते हैं अगली लोकेशन में, वहाँ पे भी थोड़े पाइप डालने, और मैं चलता हूँ थोड़ा शाहपुर की तरफ, प्लांट में थोड़ा सा काम है, वहाँ चलते हैं। अभी एक्सकेवेटर भी लेके चलते हैं अगली लोकेशन पर, पाइप डालेंगे। ये थोड़ा घर के पास में थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ऊपर से रैंप बनाना था, वो बना दिया इनका। तो अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ।